लाइफ में आप डेली पढ़ रही हैं, कौन सा वक्त आया आपके लिए? बहुत वक्त आए, बहुत वक्त आए। जब मेरे डैड की डेथ हुई 2010 में, जब काम नहीं मिल रहा था, अच्छा काम नहीं मिल रहा था, कलयुग जैसा काम नहीं मिल रहा था 2007 में, जब मेरी नानी की डेथ हुई 2012 में, एक दौरान ऐसा भी लगा, मतलब मोहित आगे बढ़ रहा था, इमरान आगे बढ़ रहा था, मेरी फैमिली में सब आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मैं फंसी हुई थी, मैं अकेली थी। और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मुझे खुद की शख्सियत बनानी पड़ेगी, मुझे खुद अपने पैरों पे खड़ा करना वाला करना होगा। मैं किसी के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती कि मोहित मेरे लिए एक फ़िल्म लिखेगा, या इमरान मुझे लॉन्च करेगा, या भट्ट साहब कुछ और करेंगे। मैं थक गई थी वेट करते करते। और तब उस दौरान डिप्रेशन से निकल के मुझे मेरा पोल मिला। क्या आज भी आपको लगता है कि लेट महिलाओं के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री खराब है? सॉरी, क्या आज आपको लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए बहुत स्ट्रगल है कंपेयर करें मेंस के लिए? मेन के लिए भी स्ट्रगल है, विमेन के लिए भी स्ट्रगल है, सबके लिए स्ट्रगल है, बहुत ज़रूरी है। यस, आउटकमर्स के लिए भी स्ट्रगल है, लेकिन देखने को जाओ तो मैं तो फैमिली में थी, मेरे लिए भी स्ट्रगल थी। लेकिन आप अगर देखो, शाहरुख खान, दिलीप कुमार सब फैमिली से नहीं आए हैं, सुभाष घाई, बहुत लोग इंडस्ट्री में, आपको पता है टाइमिंग, लक, जैसे ये मेरा टाइमिंग था पोल में रेवोल्यूशन करने का, ये मेरी जर्नी थी। आपको अपनी जर्नी ढूंढनी है। अगर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है तो आजकल कितनी चीज़ें हैं, वेब सीरीज़ हैं, टेलीविज़न है, कितने और ड्रामा है। मुझे स्टेज बहुत पसंद है, मैंने एक प्ले भी किया था, कॉमेडी डबल ट्रबल। फ़िलहाल फिल्म्स, पोल पहले आता है, उसके बाद फिल्म, उसके बाद थिएटर, और एक दिन मैं खुद का एक म्यूज़िकल लॉन्च करना चाहती हूँ पोल और एरियल के साथ, जो बहुत जल्द होगा, और मैं खुद का स्टूडियो खोलना चाहती हूँ। तो आपको अपनी स्ट्रगल में, अपनी स्ट्रगल को थोड़ा वक्त दो, अपने लक को, अपने टाइमिंग को आज़माओ। अगर नहीं हो रहा है तो शायद आप किसी बेटर चीज़ के लिए बने हो। दैट इज़ माई ओनली, यू नो, मैं अपना इंसिडेंट से बता सकती हूँ कि वो मैं एक ही चीज़ कह सकती हूँ। मैम, देखा जाए तो फिर पोल डांस को ओलंपिक तो चली गई हो, लेकिन इंडिया में अब भी लोग सवाल खड़े करते हैं। जी जी, तो आपको कभी प्रॉब्लम्स आई? बहुत प्रॉब्लम्स आई मेरे पास, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड को मैंने बोला है मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ, लेकिन मैं आपका क्लास, और टाइम पर आते हैं और क्लास करके जाते हैं, पैसे दे देते हैं, लेकिन वो कहते प्लीज़ मेरा वीडियो आउट मत करना। मैंने कहा पागल, अपना वीडियो आउट करके अपने हस्बैंड को दिखाओ, वो और तुम्हारे पीछे पागल पड़ेगा, किसी और के साथ नहीं जाएगा। और ये क्यों एक धब्बा पड़ गया, क्योंकि पोल आया था स्ट्रिप बाज से, लेकिन एक जिनसे मैंने सीखा, बॉबी उनका नाम है, उनका एक स्कूल सिंगापुर में था, मैं जाना चाहती हूँ ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेट बॉबी से सीखने के लिए। बॉबी पहली एक डांसर थी जिन्होंने पोल को स्ट्रिप बाज से निकाल के कॉम्पिटिशन में डाला। तो जब उन्होंने कंपटीशन में डाला, उन्होंने पोल से पूरा अपना, जैसे जो डांस था वो निकाल दिया, उसने सिर्फ ट्रिक्स रखे, जैसे हम टंबल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर उसकी, और अभी पोल स्पोर्ट ने नया रूल निकाला है कि आपको डांस भी करना पड़ेगा, आपको ट्रिक्स भी करने पड़ेंगे, आपको फ्लो वर्क भी करना पड़ेगा, चेयर भी करना पड़ेगा, तभी आप क्लियर कर सकते हो। तो इसका मतलब हर चीज़, डांस बोलो या पोल में फ्लो वर्क होता है, ट्रिक्स होते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ ट्रिक्स करो तो आप सर्कस में भर्ती हो जाओ, उसमें आर्ट क्या है? ट्रिक्स तो मैं आपको कल सिखा सकती हूँ, लेकिन उसको डांस के साथ डालना, वो बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक हमें इसे पॉजिटिवली पोल फिटनेस कहना चाहिए, और ज़रूर इंडिया में, आई एम सो श्योर, इंडिया में ये आगे बढ़ेगा, और लड़कियां बहुत जल्दी, मेरे स्टूडेंट्स ही अपने वीडियोस निकालेंगी, वो अपने खुद के, मतलब बोल्डली कहेंगी। मेरी सिस्टर इन लॉ थी, कल मैं गई थी अपनी मासी के घर पे, और मेरी सिस्टर इन लॉ मेरी मासी को कह रही थी, मतलब उनकी तो वो क्या हुई, क्या बोलते हैं, उनकी वो बहू हुई, तो वो मेरे साथ पोल डांसिंग कर रही है,
और उसने सीधा अपनी मदर इन लॉ मेरी मासी को कह दिया कि मुझे अपने मम्मी मुझे अपने रूम में एक पोल डालना है. तो मेरी मासी कह रही थी क्या रबिश तुमको रूम में क्यों पोल डालना है. बोला नहीं मुझे डालना है मुझे. तो मैंने कहा वाह, मैंने कहा मासी ये है मेरा रेवोल्यूशन. जस्ट जब हर घर में लड़की पोल डालेगी तो उसका हस्बैंड बाहर क्यों जाएगा. सिंपल एज दैट. आज भी हमारे भारत में कई समाजों में जो पोल पर डांस करते हैं महिला को अलग नजरिए से देखते हैं, तो उन सब के बारे में क्या कहना, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, उन्होंने पोल फिटनेस की नहीं है. मैं चाहती हूँ कि मैं इसलिए पोल को लेके विलेजेस में जाना चाहती हूँ, बॉम्बे से बाहर, सूरत, अहमदाबाद. इनफैक्ट मुझे कॉल्स आते हैं सूरत, अहमदाबाद, पुणे से कि आप यहाँ पे पोल स्कूल खोलो. वहाँ बाहर और लोग करना चाहते हैं. तो मैं तो विलेजेस में और महिला आश्रमों में लोग जाके पोल करवाना चाहती हूँ उनको, ताकि वो स्ट्रॉन्ग फील करे और उनको लगे कि भाई ये तो हम कर सकते हैं. और वहाँ की महिलाएं विलेजेस में तो और बेटर करेंगी. मैंने अपनी लड़की पल्लवी जो मेरे लिए काम करती है वो बैंगलोर के एक छोटे गांव से है, तेलुगु है. मैंने उसको अपने नाइट पे, मेरी जो बर्लेस्क नाइट थी, मैंने उसको डांस करवाया. तो उसने तो अपना मंगलसूत्र, अपना सिंदूर सब डाल के उसने डांस किया. मैं आपको उसका वीडियो भी भेज सकती हूँ. और वो आज एक नई लड़की है. आज सलवार कमीज से ज़्यादा मतलब ये पहनती है ये, और पूजा पाठ भी करती है, अपने हस्बैंड से भी प्यार करती है, अपने बच्चे भी संभालती है, मेरा घर भी संभालती है. और मुझे आकल ही बोल रही थी वो कि मैडम आप मुझे और कब सिखाओगे. मैंने कहा दुबई से वापस आके तेरे को फिर उल्टा टांगती हूँ मैं. ओके देखा जाए तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है देखने में. इसकी फिटनेस कितना इंपॉर्टेंस रखता है और फिट रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं? फिट रखने के लिए पोल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार आप पोल डांसिंग करो तो आपको जिम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं. तो जिम में जो आप 50,000 भरते हो वो मुझे दे दो. आपको क्योंकि आप खुद का बॉडी वेट उठाते हो, तो पोल डांसिंग में आपको योगा ज़रूरी है. मैं योगा करती हूँ. कार्डियोवैस्कुलर या रनिंग या वॉकिंग, जिस दिन आप पोल करते हो उस दिन कुछ मत करो. प्रोटीन ज़्यादा खाओ, मैं खाती हूँ पनीर या चिकन या जो भी, आप अगर वेजिटेरियन हो तो टोफू. और बस दूसरे दिनों पे आप वॉकिंग रनिंग करो, योगा करो, मैं वो ही करती हूँ. और डांस करो, मस्त रहो, खुश रहो. बस खुशी बहुत ज़रूरी है. पोल के बाद कमाल की नींद आती है. पता नहीं, मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ. मेरी फेवरेट टीचर जिनका नाम है मैरी ऑन क्रैम्प, वो मुझे फॉलो भी कर रही हैं. तो मैं बहुत इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से पहले मैं तो डर जाती हूँ और कि वो मुझे फॉलो कर रही हैं. और वो जैसे पोल की अमिताभ बच्चन है और वो वहाँ पर होने वाली हैं. और उसके अलावा बहुत बड़ी टीचर्स होने वाली है और उनको बिलीव ही नहीं हो रहा कि इंडिया में पोल है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन टीचर्स को यहाँ लेके आऊँ. उनको लगता है इंडिया में सांप हैं, बैल हैं और कैमल हैं, लेकिन पोल नहीं है. तो मैं वो बिलीव नहीं कर रही है कि पोल मैंने शुरू किया है, पोल स्टार यहाँ पर. और मैं बिलीव नहीं कर रही हूँ कि मैं उनसे मिल सकती हूँ. और मैं फिंगर्स क्रॉस्ड है मेरे कि मैं उनको यहाँ ले आ सकूँ. तो वो जब मुझ में बिलीव करेंगी और ये जब अवेयरनेस फैलेगी तो मैं उनको यहाँ ला सकूँगी. इसके अलावा फाइनली मैम, जैसे कि मालूम पड़ रहा है कि आप ओलंपिक में शायद पार्टिसिपेट करने वाले हैं. मुझे करना है, बहुत करना है. किस तरह का प्रिपरेशन होने वाला है, वो कितना प्रिपरेशन लगेगा उसके लिए? बहुत लगेगा. काफी डिफिकल्ट होता है वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, बोला जाता बहुत डिफिकल्ट होता है. लेकिन माइंड यू, जो जो ओलंपिक्स जीती हैं लेडीज वो 50, 60, 70 ईयर्स की हैं. तो मुझे, मेरे पास वक्त है. हो सकता है एट द एज ऑफ 50 या 60 मैं पोल स्पोर्ट जीतूं या कहीं आ जाऊं. बट ये मुझे करना है अपने लिए. ये इससे कुछ होगा नहीं. मतलब जीत गई तो जीत गई, नहीं जीती तो एटलीस्ट मैंने एंट्री की.